कोविड कटकणारु फिका पड़ा इंग्राजी नुआ वर्ष 2022 पालन केवल राजनेता और निर्वाचित लोकप्रतिनिधि दलीय कर्मी गहली महामारी कोरोना जोगु दीर्घ देढ़ वर्षर ऊर्ध समय धरी देशर प्रति क्षेत्र प्रभावित हो चलता बेले इंग्राजी नववर्ष 2022 पालन अनुरूप स्थिति परिलक्षित होछे। संभाव्य तृतीय लहर कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन भयावहता को दृष्टि रखी सरकार पक्ष जारी निर्देशनामा अनुसार 31 तारीख जीरो नाइट सेलिब्रेशन ठारु 2 तारीख पर्यंत आनुष्ठानिक कार्यक्रम उपरे अंकुश लागितला। एथिसहित सरकार निर्देशनामा सांगुकु जिला प्रशासन कड़ाकड़ी कोविड कटकणा चलित नुआ वर्ष पालन को फिका करिदैतिबा लक्ष्य करा जायछि। से अनुसार बालेश्वर सहर रे केउठी भी सामूहिक भाव नुआ वर्ष पालन और शुभेच्छा प्रदान कार्यक्रम देखा मिलना सब् कटकणा सत्वे संपर्क परंपरा बजाय रखा विभिन्न राजनीतिक दल नेता और कर्मी नुआ वर्ष शुभेच्छा प्रदान और ग्रहण विरत हो जिलावासी शुभेच्छा जनवाई राजनैतिक दल नेता पक्ष रास्ताघाट चारिआड़े मालमाल होर्डिंग लग जा देखा मिली। क्षमतासीन राजनेता घर को जा कर्मी और सहयोगी पुष्पगुच्छ प्रदान करिवार परंपरा पूर्व वर्ष भली लागी रही थला। जिलार विभिन्न ब्लॉक और पंचायत छामुआ कर्मी माने दल दल हुई आसी बीजेडी जिला सभापति और विधायकों को पुष्पगुच्छ प्रदान करिथिले। तबे समस्त नुआ वर्षर शुभेच्छा प्रदान संगु को कोरोनार मूलोत्पाटन पई कामना करिथिले। नुआ वर्ष उपलक्षे समस्त बालेश्वरवासी को ओडिशावासी को पृथ्वीवासी को हां एया मोर आशा रहइबो भगवान के निकट रे जे ए वर्ष मंगलमय हो। विगत दुई वर्ष धरी पृथ्वी जो भाव में एक महामारी सम्मुखीन कर प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रहू आउ से भाया कष्ट जनमानस को न दिंतु। समस्ते परिवेश सुरक्षित करने सचेतन हूँ परिवेश डिग्रेडेशन आज आमको यह सिचुएसन फेस करने पड़े। आगामी दिन में प्रभु आशीर्वाद रहू समस्ते भले रुहतु और परिवेश प्रति सजग रुहतु ये रहा नववर्ष मोर बार्ता। 2022 नुआ वर्ष समस्त मंगलमय हो समस्त शुभ हो प्रभु जगन्नाथ प्रार्थना रही कि समस्त सब क्षेत्र उन्नति हो। कोविड महामारी आम समस्त छाड़ जल्दी चली जाऊ स्वाभाविक जीवन जल्दी समस्त फेरू और माननीय मुख्यमंत्री आम मानक जो आह्वान देते समस्ते सुरक्षित रहा कार्य आम से पद्धति आम जीवनशैली को आगक ना समस्त पुणि थर मोर शुभेच्छा जनाऊँ हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ सुरक्षित रही आम नुआ वर्ष पालन करवा। नूतन वर्ष 2022 उपलक्षे बालेश्वर तथा रेमणा निर्वाचन मंडलीर समस्त भाई भूनी मानंकु समस्त गुरुजन मानंकु मोर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। नुआ वर्षटी आम मानंकु जीवन रे आनंद उल्लास भरी दौ सुख शांति आमको आनी दौ यह मोर प्रभु श्रीजगन्नाथ पाखरे प्रार्थना एवं जो भाव रे कोविड महामारी आमको आज कबलित कर रखी दीर्घ दुई वर्ष धरी मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे निवेदन करुछि आमको एथिरु मुकुलांतु एवं समस्त जनसाधारण को मु निवेदन करी जो भाव एबे ओमिक्रॉन पुनी आरंभ हलानी एवं तृतीय लहर आरंभ होवार जो कथा आकलन करा जाउछि सेतिपाई समस्त को निवेदन करी समस्ते कोविड गाइडलाइन को पालन करिबा मास्क व्यवहार करिबा ता सहित जो सोशल डिस्टेंसिंग टू आरंभ करी विभिन्न प्रकार जो हाथ धोईबार जो नियम अछि ताकू भी आमे पालन करिबा ए सबु कथा को पालन कले आमे निश्चित भाव आपको प्रतिहत करी परिबा। इंग्राजी नववर्ष 2022 समग्र बालेश्वर जिलावासी सुखमय हो 2021 रे कोरोनार प्रभाव जोगु देशवासी विशेष करके बालेश्वर जिलावासी विशेष भाव प्रभावित होते मु आशा करुची एवं जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करुची 2022 समस्त सुखमय हो एवं बालेश्वर समस्त जनसाधारण आर्थिक मानदंडर उन्नति होगा संगे संगे बालेश्वर एक उन्नत जिला एवं यही जिलार समस्त जिलावासी उन्नति हो यही मु प्रभु जगन्नाथ पाखरे कामना करुची। इंग्राजी नुआ वर्ष 2022 आम समस्त सुखमय हो आनंदमय हो प्रभु जगन्नाथ आम समस्त मंगल करंतु 2022 परिप्रेक्षी में समस्त विश्ववासी को मु आह्वान करुची आसंतु आम समस्ते हिंसा द्वेष अहंकार को परित्याग करिबा परस्पर भाईचारा सूत्र में बांधि हेबा
ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ଏ ମହାମାରୀ କରୋନା ଏ ସଂସାରର ଦୂରୀଭୂତ। 2022 ଏ ଯେଉଁ ନବବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଏହି ନବବର୍ଷ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୁଣିଜୀବୀ ଏବଂ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି 2022 ଯେଭଳିଆ ଗତ 21ରେ ମହାମାରୀ ଆମକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, 2022ରେ ତାହା ଆମ ପାଖକୁ ନ ଛୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ମହାମାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଏକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଭାଇଚାରାର ବର୍ଷ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ଘରେ ରହି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଇଥିଲେ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଫୁଲ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ମଠ ଉପରେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଭଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।